हाय एवरीवन, वेलकम टू थिंक सीरीज। एंड आज की एपिसोड में हम बात करने वाले हैं व्हाई सम इंस्टीट्यूट्स हैव हायर प्लेसमेंट्स देन अदर्स। तो हम फोकस करेंगे मेनली एमए इकोनॉमिक्स के इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। तो एट इन वन सेट वी हैव प्लेसेस लाइक डीएससी, आईएसआई, आईजीएड, एंड इन द अदर सेट वी हैव प्लेसेस लाइक मद्रास, जेएमआई, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, गोखले, आईआईएफटी। ओके, सो दोनों के प्लेसमेंट्स में काफी डिफरेंसेस है, ठीक है, एंड यही हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं। आई डिड माय मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड आफ्टर दैट आई वर्क्ड एज अ मार्केट एनालिस्ट इन रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, एंड देन आई वर्क्ड इन अमेरिकन एक्सप्रेस एज अ क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट। ओके, एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर इन सेंट स्टीफन्स कॉलेज। ओके, सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम माय कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इज दैट दे रिक्वायर पीपल विद गुड न्यूमेरिकल एबिलिटी। जब आपको एक हायर सैलरी ऑफर करी जाती है तो दैट सैलरी इज नॉट फॉर फॉलोइंग सम प्रोसेसेस। आपको सेम टाइप का काम नहीं मिलता कि आप बस एक्सेल के ऊपर रोज कुछ डेटा फीड कर रहे हो। ओके, यू नीड टू हैव इंडिपेंडेंट थिंकिंग। यू गेट बेसिकली आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ओके, यू गेट प्रोजेक्ट्स, और ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन पर पहले काम नहीं हुआ है, ठीक है। आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिनके ऊपर पहले कभी भी काम नहीं हुआ है। आपको इंडिपेंडेंटली उस पर काम करना शुरू करना है। यू नीड टू गिव योर इनपुट्स, ठीक है। तो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट थिंकिंग चाहिए। ऑल राइट, सो अब ये ढूंढने के लिए द काइंड ऑफ टैलेंट दैट वी हैव, दे वांट, दे स्टार्ट गोइंग टू प्लेसेस लाइक दीज बिकॉज इन प्लेसेस की अपनी एक वैल्यू है, एंड द वैल्यू इज बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी टू गेट इन। यहाँ पर एडमिशन लेना मुश्किल है, राइट, क्योंकि यहाँ का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो मुश्किल होता है। ओके, व्हाट एल्स, इसके अलावा यहाँ पर पास होना भी मुश्किल है, राइट, तो फेलियर रेट इज ऑल्सो हाई, स्पेशली इन डीएससी, ठीक है। फेलियर रेट हाई है तो ऑटोमेटिकली कॉरपोरेट को ज्यादा, कॉरपोरेट पीपल को ज्यादा दे डोंट हैव मच प्रॉब्लम टू स्क्रीन स्क्रीन द स्टूडेंट्स। ओके, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास एक अच्छा पूल है, और उसमें से भी दे टेक इंटरव्यू एंड देन दे आर एबल टू गेट द काइंड ऑफ पीपल दैट दे वॉन्ट फॉर इट फॉर द जॉब दे आर ऑफरिंग, ठीक है। बट करेंटली अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू सीयूईटी एंड ड्यू टू फोकस ऑफ स्टूडेंट्स ओनली ऑन प्लेसमेंट्स, वो अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे, ठीक है। सीयूईटी के लिए दैट इज इट नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन, तो नोबडी इज डूइंग न्यूमेरिकल स्टफ एनी मोर। आप अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कॉन्सेप्ट्स को डीपली नहीं समझ रहे हो, शायद इसलिए क्योंकि रिक्वायरमेंट भी नहीं, ठीक है। बट प्रॉब्लम इज जब आप ये करने के बाद इन इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, आप पास, लेट से आप पास भी हो जाओगे, उसके बाद जब प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आती है, दे वॉन्ट समवन विद अ न्यूमेरिकल माइंड, विद अ टेक्निकल माइंड, हु कैन थिंक इंडिपेंडेंटली, और आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। ओके, सो उस वजह से इन प्लेसेस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बिकॉज वेन कंपनीज आर अप्रोचिंग दीज इंस्टीट्यूट, वो इंटरव्यू ले रहे हैं तो दे आर नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ पीपल दे वॉन्ट। वो आते हैं 8 लोगों को हायर करने के लिए और जाते हैं सिर्फ 2 लोगों को हायर करके या 1 को हायर करके, और एट टाइम्स हायर नहीं कर रहे, ठीक है, जो अपने आप में एक बेइज्जती वाली बात है इन इंस्टीट्यूट्स के लिए। ओके, एंड द रीजन इज कि स्टूडेंट्स की क्वालिटी डाउन हो रही है, ठीक है। सो माय सजेशन वुड बी कि यू डोंट यू शुड बी फोकसिंग ऑन द न्यूमेरिकल स्टफ ओनली, ठीक है। आप यू नीड टू बैलेंस बोथ काइंड ऑफ थिंग्स। आप इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ो, लेकिन एट द सेम टाइम डो नॉट लेट योर टेक्निकलिटी, यू डो नॉट लेट योर टेक्निकल माइंड क्वालिटी गो डाउन। आपको वो दोनों टाइप की चीजें पढ़नी चाहिए। डो नॉट रिलाई ऑन सिंपल स्टफ। जितना ज्यादा डिफिकल्ट चीजें पढ़ोगे उतनी आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, और आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी तभी आपका पैकेज भी हाई जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सी यू द नेक्स्ट एपिसोड। Bye-bye. I hope you find it useful.